कि सीएम नायब सैनी ने विधायक पद की शपथ ली है। विधानसभा सचिवालय में स्पीकर ने उन्हें शपथ दिलाई है। सीएम के शपथ ग्रहण में कई दिग्गज नेता पहुंचे। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली शपथ ग्रहण में शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा, विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से परचम लहराएगी। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का उन्होंने दावा भी कर दिया। गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है हमारा, नायब सिंह ने कहा। गरीबों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की हम व्यवस्था करेंगे। तो देखिए, विधायक पद की शपथ लेने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से सरकार की क्या नीतियां हैं, आगे का लक्ष्य क्या है, उसके बारे में भी बात रखी गई। उन्होंने कहा, गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। गरीबों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाएं, इसकी आगे भी हम व्यवस्था करेंगे। और देखिए, इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा का भी जिक्र कर दिया, विधानसभा चुनाव का। कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये तमाम बातें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही, जिस दौरान उन्होंने विधायक पद की शपथ ली। करनाल के लोगों ने इस बात के ऊपर भी मोहर लगाई है कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्षों में जो प्रदेश एक नई गति से आगे बढ़ा है, गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया है, उसी गति से आगे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। हमारी सरकार ये सारी व्यवस्थाएं करेगी, चाहे गरीब को मकान बना करके देने की बात हो। पिछले अगर 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के और 9.5 वर्षों में हरियाणा का हम कार्यकाल देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, हमने जितनी एप्लीकेशनें हमारे पास आई थी उन सब को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व के अंदर हुआ है। अब देखिए, इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर भी प्रहार किया है। कांग्रेस नेताओं ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है, ये बात नायब सिंह सैनी कहते नजर आए। कांग्रेस ने एससी समाज को बरगलाने की कोशिश की है, सीएम ने कहा। कांग्रेस ने भारत के संविधान का भी अपमान किया है। ये तमाम तरह के आरोप जो हैं कांग्रेस पर लगाते नजर आए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं ने ही लोगों को गुमराह करने का भी काम किया है। संविधान का अपमान किसी और ने नहीं, वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने जिस भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये पवित्र संविधान देने का काम किया, उसको भी कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया है। और इस प्रकार का झूठ, क्योंकि आज तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया और कांग्रेस ने लगातार संविधान का अपमान करने का समय समय के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने जो हमारे संवैधानिक पद हैं, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया का है, चाहे वो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदया का है, चाहे हमारी वो पवित्र संसद है, चाहे लोकतंत्र है, चाहे हमारे देश के संवैधानिक पीठ हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, ऐसी जो हमारी संवैधानिक पीठे हैं, चाहे हमारा कोर्ट है, उसका भी कांग्रेस ने समय समय के ऊपर अपमान करने का काम किया है। हरियाणा सरकार की अल्पमत में होने पर सीएम ने अपनी बात रखी। प्रदेश सरकार को कोई
खतरा नहीं है, ये सीएम ने कहा। कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती भी दे डाली। राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड कराए हुड्डा, ये कहा सीएम नायब सैनी ने। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ, आज भी हमारे पास बहुमत है, पूरा आज भी बहुमत है। कांग्रेस इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है, कोई भी सेशन आया है हर सेशन के अंदर झूठ का सहारा कांग्रेस ने लिया है। एक भी सेशन ऐसा नहीं गया जिस सेशन के अंदर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के ना आए हो। हर सेशन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और हर सेशन के अंदर कांग्रेस को अपने मुंह की खानी पड़ी। हम संख्या गनवा रहे हैं, हम संख्या वो गनवाए ना, संख्या जो अविश्वास की बात कर रहा है। 12 तारीख को मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसमें कांग्रेस के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे, उनके समक्ष हमने विश्वास मत हासिल किया। अगर उसको लग रहा है कि सरकार अल्पमत में है, वो अपने मेंबरों को लेकर के महामहिम राज्यपाल के सामने जाकर के परेड करवाए ना।